हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर देख रहे थे, रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। देखो, चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका था, जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे सारे हमने कंप्लीट करा दिए थे। तो आज से हम क्या शुरू करने वाले न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि एक चीज़ जान लो यार, अगर आपको पेपर में जो केमिस्ट्री का पेपर होगा उसमें सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर रासायनिक बलगतिकी से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इस पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यार भाई प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना और सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो, एक एक क्वेश्चन को मस्त तरीके से सॉल्व करते चलना है। तो चलो यार शुरू करते हैं वीडियो को, क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। तो देख सकते हो पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, एसिड SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है और एकदम आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ जान लो, रासायनिक बलगतिकी चैप्टर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको उस चैप्टर के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, पढ़ा हमने सब कुछ रखा, आपको फॉर्मूला जरूर तैयार होना चाहिए। आप सबसे पहले इस प्रश्न को एक दो बार पढ़ते हैं तो समझते कहना क्या चाह रहे हैं। आपको दिया गया SO2Cl2, कहा गया इसको अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, प्रारंभिक मात्रा जितनी है उससे आधी मात्रा में वियोजित करने पर 60 मिनट का समय लगता है। मतलब टाइम आपको दिया गया है 60 मिनट का, टाइम टी बराबर कितना दिया गया है, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का टाइम आपको दिया गया, यहाँ पे लिख लेना, हल लिख लो या सॉल्व इंग्लिश पे लिख लो, ठीक है। सिंपल, आपको टाइम कितना दिया गया है, 60 मिनट का समय आपको दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे आपको दिया क्या गया है, SO2Cl2, कहा गया है SO2Cl2 को वियोजित होने में, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जब ये वियोजित होगा तो आपका SO2 और Cl2 पे टूटेगा, ठीक है। तो सिंपल, जो SO2Cl2 जब ये वियोजित होके कुछ उत्पाद बनाएगा तो सिंपल ये क्या है, आपका अभिकारक, ठीक है। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी मात्रा में वियोजित हो जाती है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। ध्यान से समझना, अगर आप यहाँ पे शब्दों को समझ गए तो क्वेश्चन पूरा आसान है, ठीक है। क्या कह रहा है, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा की आधी मात्रा, ठीक है, आधी मात्रा में वियोजित होने के लिए समय दिया गया है। तो मतलब अगर प्रारंभिक मात्रा आपकी कुछ है तो वो मात्रा क्या रह जाती, आधी मात्रा, और उसमें कितना समय लगता है, 60 मिनट। तो आपको हमने क्या पढ़ाया था, अभिक्रिया की अर्धायु। अभिक्रिया की अर्धायु क्या थी, कि आपका वह समय जिसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता उसकी आधी रह जाती है, उसकी मतलब प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाए, सांद्रता आधी रह जाए, तो वह समय कौन सा समय कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायु। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई कि प्रारंभिक मात्रा की कितनी मात्रा रह जाती है, आधी मात्रा, वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। मतलब ये आपको यहाँ पे क्या दिया गया, अर्ध आयु दिया गया, ठीक है। जब आधी मात्रा की बात हो तो आप जान जाओ क्या दिया गया, अर्ध आयु दिया गया। कौन सा समय दिया गया, अर्ध आयु। ये आपको T1/2 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। जो लोग पढ़े अर्धायु को अच्छे से वो लोग इसे पूरा समझ रहे होंगे कि आपसे कहा गया प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में समय दिया गया 60 मिनट। अब कह रहा है यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, सबको पता है ना, वेग स्थिरांक को के से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको सिंपल यहाँ पर से वेग स्थिरांक निकालना है, तो फॉर्मूला यार सबको पता होगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का समीकरण, प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ पे जब प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है तो समीकरण क्या हो जाता है, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, यही आपका सूत्र होता है, T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। यहाँ पे सिंपल आपको के का मान निकालना है तो के को इधर ले लो और T1/2 नीचे आ जाएगा, तो 0.693 अपॉन में T1/2, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको इसकी वैल्यू रख देनी और आंसर निकाल लेना है, तो यहाँ पर से सिंपल आ जाएगा के इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2 की वैल्यू है 60, तो यहाँ पे 60 रख दो सिंपल से। अब आपको भाग दे देना है और K का मान जो निकल के आएगा वहाँ यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है।
और एक चीज जान लो, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक जरूर सबको पता होना चाहिए, इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स। क्या मात्रक होता है? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, 60 का भाग दे देना है इस पे, तो जो आंसर आ रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आपको और ध्यान देनी, आपको ये वैल्यू 60 मिनट पे दी गई है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको वैल्यू मिनट पे दी गई है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक आएगा वो सेकेंड इनवर्स पे आएगा, और सेकेंड इनवर्स पे तभी आ पाएगा जब आपका ये समय भी सेकेंड में हो, ठीक है। तभी तो आपका, देखो यहीं पर से तो सूत्र बनता है, अगर इसका मात्रक मिनट होगा तो वैल्यू मिनट इन्वर्स पे आएगी, लेकिन हमें सेकेंड इन्वर्स पे चाहिए, तो सबसे पहले हम इस 60 मिनट को सेकेंड में परिवर्तित करेंगे। तो 60 मिनट को आपको सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना है, मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 मिनट बराबर भी कितने हो जाएंगे, 60 गुणे 60 सेकेंड, ठीक है, 60 गुणे 60 सेकेंड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर से आपको T1/2 की जगह क्या रखना है, 60 गुणे 60, ये वैल्यू आपको रखनी, ठीक है। ध्यान से समझ लो, हम कह रहे हैं कि जो आपका वेग स्थिरांक होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, उसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जब मात्रक सेकेंड इनवर्स होगा तो ये जो मिनट में दिया गया आपको, इसको भी आपको सेकेंड में बदलना होगा। तो 60, देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में कितने सेकेंड, 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है, 3600 सेकेंड ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने T1/2 की वैल्यू रख दी 60 गुणा 60। अब यहाँ पर से वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1.925 × 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, और ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आसानी से इसका आंसर भी आ गया, कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। देखो ये चीज जान लो, जब भी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल हल कर रहे हो, सबसे पहले उसको एक दो बार पढ़ लिया करो, ठीक है। आपसे कहा गया था SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होता है वो, ठीक है, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है, मतलब जब प्रारंभिक से आधी मात्रा कहे तो अर्धायु दिया गया 60 मिनट। आपको कह रहा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालो, ये सूत्र लगाओ, मिनट को सेकंड में बदल लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, तो सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरह से मस्त मस्त क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से आपको सॉल्व करना है। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते हैं भैया अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसे आपको अपने तरफ से सॉल्व करने का भी प्रयास करना है और जो भी आंसर आया उसे कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। तो सब लोग इसे अपनी अपनी कॉपी पे सॉल्व करने का प्रयास करो, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, कह रहा 50 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सब लोग सिंपल से एकदम सॉल्व कर सकते हो। आपसे कहा गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और 50 सेकेंड में क्या होता है, पदार्थ की सांद्रता जो होती है आपका प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो जब भी कहे कि पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, मतलब वो आपको अभिक्रिया की अर्धायु दिया गया, ये कौन सा समय दिया गया, अर्धायु काल, ठीक है। तो यहाँ पर से अर्धायु काल आपको लिखना है T1/2, T1/2 बराबर कितना दिया गया है, 50 सेकेंड आपको दिया गया, ठीक है, 50 सेकेंड आपको यहाँ पे दिया गया। अब कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो इसके वेग स्थिरांक के की आपको गणना करनी है, ठीक है। सिंपल सा उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हो सेकंड में भी वैल्यू दी गई है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सिंपल आपका फॉर्मूला लग जाएगा T1/2 = 0.693/K, के की वैल्यू निकालनी, के बराबर 0.693/ T1/2, T1/2 की वैल्यू रख दो, तो के बराबर 0.693/50, यहाँ पे सिंपल 50 का आपको भाग दे देना है, तो K का मान वही आपका प्रथम कोटि की क्रिया है तो सेकेंड इनवर्स पे आ जाएगा, ठीक है, K का मान आपका सेकेंड इनवर्स पे आ जाएगा। आंसर बता दे रहे हैं आपको कितना आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.38 × 10⁻²⁪ सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.38 × 10⁻²⁪ सेकेंड इनवर्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा उसी टाइप का क्वेश्चन था, सबने तो इसे आसानी से सॉल्व ही कर लिया होगा, ठीक है, सब लोग मिला लो, सबका आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, तो आप देखते अगला क्वेश्चन। आप देखो देखते भैया क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसे ध्यान से समझना।
पढ़ो यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स पाया गया, ठीक है। अब कह रहा है इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। बहुत ज्यादा मस्त क्वेश्चन है, और ये जान लो जिस टाइप के क्वेश्चन नंबर 3 है इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जो कह रहा हो सबसे पहले वो लिखते चलो, तो क्वेश्चन एकदम सिंपल तौर पे सॉल्व हो जाएगा। आपसे कहा गया प्रथम कोटि अभिक्रिया है, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले लिख लिया प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, सिंपल लिख लिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है भैया। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रथम कोटि की क्या है, अभिक्रिया है। आप जब प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो उसके लिए वेग स्थिरांक के का कुछ मान दिया गया, के बराबर 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, ये आपको दे दिया गया 2.54 इंटू 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स पाया गया। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। आयु का मतलब समझते हो, आयु का मतलब सिंपल है समय, जैसे अर्धायु काल होता है मतलब आधा समय होता है, ठीक है, मतलब आधी सांद्रता पूरी होने में लगा समय होता है। तो सिंपल 3/4 आयु की गणना कीजिए, मतलब आपको समय दिया गया है कितना ज्ञात करना है, 3/4, मतलब 3/4 आपको पता है कि इसको कहते हैं 3/4, 3/4 मतलब 3/4, तो आपको 3/4 समय निकालना है, ठीक है। 3/4 का तो सब लोग मतलब समझते हो, मतलब 3 और उसका चौथाई भाग मतलब 4, 3/4, ठीक है। आपसे कहा गया इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए, तो मतलब T3/4 की वैल्यू आपको निकालनी, आयु का मतलब समय मतलब टाइम, ठीक है। तो T3/4 की आपको वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके लिए आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र जरूर पता होना चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, सबको पता होगा, T=2.303/K log यहाँ पे बेस में 10 होता है और यहाँ पे a/a-x, ये सूत्र होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। T=2.303/K log बेस में 10 a/a-x। अब आपको 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकालना है, तो यहाँ पे t की जगह रख देना 3/4, ठीक है। और इसी फॉर्मूले से आप 3/4 आयु निकाल सकते हो, मतलब कि 3/4 आयु निकाल सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे बात आएगी, आपको 3/4 आयु तो निकालनी है, k का मान आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आपको ना a का मान पता है ना ही x का मान पता है। तो सबसे पहले आपको a और x का मान पता करना होगा। अब बात करें यहाँ पे a क्या है, a होती है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ से लिखते हैं माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की प्रारंभिक, इसी टाइप से क्वेश्चन आपको हल करना है, ठीक है। प्रारंभिक यहाँ पे सही से लिख लेना, प्रारंभिक, ठीक है। माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, a। हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो a है। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रारंभिक सांद्रता हमने a मान लिया। अब यहाँ पे आपको 3/4 निकालना है, तो यहाँ पर से जो x का मान हो जाएगा, ठीक है, मतलब x जो होता है यहाँ पे जो x लिखा हुआ है ये t समय पश्चात की सांद्रता होती है। तो यहाँ पे 3/4 कह रहा है, तो 3/4, ठीक है, यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो x बराबर, देखो लिखा माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता a है, तब x बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब प्रारंभिक सांद्रता a होगी तो उसका 3/4 कह रहा है, तो x का मान हो जाएगा 3/4 इंटू ए। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। देखो a क्या होती है, स्मॉल a होता है प्रारंभिक सांद्रता, और x का मतलब है आपका t समय पश्चात की सांद्रता। 3/4 कहा गया, तो 3/4 समय पश्चात की सांद्रता, तो x बराबर 3/4 इंटू ए। आप यहीं पे कहीं आपसे कह देता 90%, कभी अभी आपको आगे क्वेश्चन जो मिलेंगे उस पे किसी किसी क्वेश्चन में कहेगा 90% पूर्ण करने में लगा समय, तो उसमें भी आपको जैसे एक अगर इसको a मानोगे तो उसको आपका a का 90%, मतलब a गुणा 90/100, ठीक है। और यहाँ पे आपको प्रारंभिक सांद्रता a मानी, तो 3/4 निकालना है, तो x का मान आ जाएगा 3/4 इंटू ए, ठीक है। ये चीज याद रखना, 3/4 कहे, 4/3 कहे, 5/6 कहे, कितना भी कहे, बस x का मान आ जाएगा, जैसे प्रारंभिक सांद्रता a है तो जितना भी कह रहा है उसमें a का गुणा कर दो, ठीक है। 3/4 कह रहा है, यहाँ पे कहा गया था 3/4 मतलब 3/4, तो a पे 3/4 का गुणा कर दो, वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर से हम लोग a-x भी निकाल लेते हैं, तो a-x कितना आ जाएगा,
ए की जगह है आपका ए माइनस एक्स की जगह कितना है 3/4 ए। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर से ए माइनस एक्स बराबर, ठीक है, यहाँ पर से हम नीचे इसके बट्टे में 1 मान लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है ना, 1 का भाग दोगे 4 पे बचेगा 4, 4 का ए से गुणा 4 ए, माइनस यहाँ पे 4 का 4 पे भाग जाएगा 1 बचेगा, 1 का 3 ए से गुणा तो 3 ए। ठीक है, सिंपल देख सकते हो, 4 एलसीएम लिया है, कुछ नहीं गया, 4 एलसीएम आ गया था, ऊपर बचा 4 ए माइनस 3 ए। अब यहाँ पर से इसका मान निकाल लेते हैं, तो ए माइनस एक्स बराबर 4 ए से 3 ए घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा बटे में यहाँ पे 4, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई 4। तो यहाँ पर सेम a माइनस एक्स की जगह कितना रख देंगे, a बाई 4 को रख देंगे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो x का मान 3/4 इंटू ए आया था, a माइनस एक्स निकाला तो a माइनस 3/4 इंटू ए, सॉल्व कर लो a माइनस एक्स बराबर a 4। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो सिंपल यहाँ पर से अब t 3/4 यही वाले सूत्र पे वैल्यू रख दो, 2.303 अपॉन में बात आती k की। अब यहाँ पे हमें k का मान रखना है, k का मान ये दिया गया है 2.54, 2.54 गुणे 10^-3। ठीक है, k का मान क्या दिया गया है, 2.54 गुणे 10^-3। अब आगे कितना है, log है, यहाँ पे बेस में 10 लगा हुआ है और ऊपर है a, a की जगह तो आपको a लिखना है क्योंकि हमने प्रारंभिक सांता को a ही माना है, तो यहाँ पे a लिख देना ऐसे, बट्टे में a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स का आपने मान निकाल लिया a 4, तो a माइनस एक्स की जगह रख देंगे a 4। ठीक है, देख सकते हो ध्यान से, a की जगह तो सेम आपका वही है, a माइनस एक्स की जगह क्या हो गया, ये a माइनस एक्स का मान निकला a 4। अब आपको कुछ नहीं करना, इसे सिंपल हल कर लेना, k का मान केवल रखा है देख लो, और आप ये k का मान रखा है और a माइनस एक्स का मान रखा है, पूरा वही सूत्र है। ठीक है, आप t 3/4 निकालना है तो इसे हल करते हैं, ऊपर 2.303 है वैसा ही रहने दो, 2.54 इंटू 10^-3 इसे भी वैसा ही रहने दो, लॉग बेस में 10 है यहाँ पे और a बटा a बाई 4, तो a बटे में a बाई 4 है, तो जब a बाई 4 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में a, देख लो ध्यान से, a अपॉन में a बाई 4, a बाई 4 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से a कैंसिल, बचेगा क्या, t 3/4 इक्वल टू 2.303 बटे में 2.54 इंटू 10^-3 लॉग बेस में 10 और यहाँ पे बचा 4। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आई। अब हम लोग इसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप देखो यहाँ पे लॉग का आपको एक सूत्र याद कर लेना है, लॉग का सूत्र होता है लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, ये सूत्र होता है लॉग का। ठीक है, लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, ठीक है, क्या सूत्र होता है लॉग m की पावर n का, कि n लॉग m होता है। ठीक है, आप बात करें m की पावर n बनेगा कैसे, तो सिंपल यहाँ पे 4 है तो इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसलिए हमने 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया। देख सकते हो सिंपल सी बात है, सिंपल 4 है तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे 4 आ सकता है, तो हमने इसलिए लिख दिया 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर से सूत्र लग जाएगा लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, m की जगह क्या है यहाँ पे 2 और इसकी पावर n मतलब इसकी जगह भी 2 है, तो यहाँ पर से इसे हम लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, t 3/4 इक्वल टू 2.303 बटे में 2.54 इंटू 10^-3 और यहाँ पे log 2 की पावर 2 को आप लिख सकते हो 2 log 2। ये कैसे आ गया आप यहाँ पर से समझोगे, log m की पावर n बराबर n log m, m की पावर n की जगह है 2 की पावर 2, तो यहाँ पर से जैसे n log m हो जाता है वैसे 2 log 2 हो जाएगा, ये चीज समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 log 2 हो गया। अब यहाँ पे आगे हल कर लो, तो t 3/4 इक्वल टू 2.303 बटे में 2.54 इंटू 10^-3। ठीक है, आगे है 2 तो 2 लिख दो इंटू log 2। अब यहाँ पर से आपको एक चीज और याद रख लेना है, log 2 का मान, log 2 का जो मान होता है वो भी आपको याद कर लेना है, log 2, ठीक है, log 2 का मान होता है 0.3010 या 0.3010, ये वैल्यू आपको log 2 की याद कर लेनी है, 0.3010, क्योंकि इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन में ज्यादातर log 2 का जरूरत आपको पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू याद रख लेना 0.3010। तो यहाँ पे log 2 की जगह हम लोग रख देंगे 0.3010। ठीक है,
यहाँ पे देख सकते हो 2.303 बट्टे में 2.54 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 2 log 2 की वैल्यू 0.3। अब इसे आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नीचे बची नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे T3/4 इक्वल टू 2.303, आप देखो इसका 2.303 का कुछ करते हैं, यहाँ पर 2.303 का 0.3 से गुणा कर देना तो 0.693 आ जाएगा, और गुणे में 2 बटे में कितना है 2.54 इंटू 10 की पावर -3। ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, 2.303 का 0.3 से गुणा कर देना आ जाएगा 0.693, और आगे है 2 बटे में 2.54 इंटू 10 की पावर -3। आप यहाँ पर से 2 से नीचे काट दोगे तो आ जाएगा 1.57, कैसे आएगा, 2 एकम 2, दशमलव लगा दो, और यहाँ पे सॉरी 2.54 पे भाग देना है तो सब लोग भाग दो, यहाँ पे 57 है ना, 54 है, 2.54 पे 2 का भाग देना है, ठीक है, तो यहाँ पर से काटोगे 2 एकम 2, दशमलव लगा, 2 दूना 4, 1 बचा 2 7 14, 1.27 आएगा। तो T3/4 यहाँ से आ जाएगा 0.693 बटे में 1.27, और ये 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर +3, ठीक है, सिंपल देख लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ पे क्या हुआ 0.693 बटे में 1.27 कैसे आया, 2 को काटा इससे तो 1.27, और 10 की पावर -3 ऊपर चला गया 10 की पावर +3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका भाग इस पे दे देना है, जो आंसर आएगा हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आंसर कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा हम लिखे दे रहे हैं T3/4 की वैल्यू आपकी 545.82 सेकेंड इतनी आएगी, ठीक है, आप लोग भाग दे के चेक कर लेना, T3/4 की वैल्यू 545.82 सेकेंड आ जाएगी, और यही आपका आंसर भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब आपको केवल भाग देना है यहाँ पे 1.27 का इस पे 0.693 पे भाग दे देना, और बाद में 10 की पावर 3 भी है ना, तो दशमलव में आएगा, उसका गुणा होगा, तब ये वैल्यू आएगी 545.82 सेकेंड, ठीक है, तो इस टाइप से आपको भाग दे देना है, ठीक है। तो देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मस्त था, ये जान लो इसी टाइप के क्वेश्चन ही आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, ठीक है, ये आप लोग जान लो पूरा, ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, कोई दिक्कत नहीं थी, वेगिश्रांक ये दिया गया था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, 3/4 मतलब 3/4 आयु कह रहा था, मतलब 3/4 का मतलब है 3/4 आयु, 3/4 समय, तो T3/4 निकालना था, ये सूत्र लगाया, प्रारंभिक सांता को ए मान लिया, और x का मान हो गया 3/4, क्योंकि 3/4 था तो 3/4 इंटू ए, ए माइनस एक्स निकाला, ए है और x की जगह 3/4 है, सॉल्व किया ये आया, ये सूत्र लगा, सारी वैल्यू रख दो, log m की पावर n का सूत्र लगा, n log m, log 2 की वैल्यू भी याद रख लो 0.3010, आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 545.82 सेकेंड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने एकदम मस्त तरीके सॉल्व कर दिया, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ये जान लो यार जितने क्वेश्चन लगवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट और पिछले वर्षों पे पूछे गए हैं, और इनसे क्वेश्चन ये जान लो फंसेंगे जरूर पेपर में, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के में ना लेना, अच्छे से तैयार करना, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने लिया है, देख सकते हो इस क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताते हैं आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा, आपको ये बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, 1.73 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स, 1.44 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स, 2.72 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स, 2.88 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स, इस पे कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको कमेंट करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क है इस ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देख सकते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, अर्ध आयु काल 400 सेकंड दिया गया है, वेग स्थिरांक पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन आपको लगवाए हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबको सॉल्व करके कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, और आज की वीडियो पे इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, अब जो इसका अगला नंबर पार्ट आएगा पार्ट नंबर 2, उस पे हम और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस पे जितने भी 4 नंबर वाले प्रश्न 5 नंबर वाले प्रश्न रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से पेपर में पूछे गए अभी तक, उन सभी प्रश्नों को हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को यार ये जान लो आपको हल करना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे जरूर, ठीक है, तो
इसको आपको करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो आशा करते हैं सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी हो रही है, ठीक है? तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो और हल करके बताना।